श्लोक सच्ची प्रीत प्रीतम चावे खोटा कर्म थे ना लावे। सच्चे को मिलदी वडियाई खोटा बंदा सागर में डूब जाई। तरवर को पाते कुसमान ऊंच नीच का नहीं गुमान। सब को देवे एक प्यार दूज तीज कोई ना खार। वारो वार तलेगर जाना पत चढ़ की रुत लैण पछाणा। तर रुत पुत कर दयोर एक जगह पर उसकी डोर। रोज लवो सर्वत की सार सब को देवे एक प्यार। एक नज सबना को देखे पात पात के ऊपर पेखे। कह नानक ऐसे संसार करता सबका एक दतार। जीव जंत उसका परवार। हरि ओम सतनाम जियो। महाराज फरमांदे हन सच्ची प्रीत प्रीतम जावे खोटा कर्म मथे ना आवे। सच्चे को मिलदी वडियाई ते खोटा कर्म सागर में डूब जाए। तरवर के पत एक समान ऊंच नीच का नहीं गुमान। सब को देवे एक प्यार दूज तीज कोई नहीं खार। अमृत बाणी जगत गुरु वाल्मीकि महाराज की अमृत बाणी श्री नारायण साहब महाराज च फरमाते हैं कि वो जो परमात्मा है वो जीव तो सच्ची प्रीत की इच्छा रखता है। कि जेड़ा इंसान है उस परम पिता परमात्मा दे नाल सच्चे मन दे नाल सच्ची प्रीत करता रहे ते परमात्मा नूं तां ही चंगा लगेगा। खोटियां कर्मां नूं भाव बुरियां कमां नूं परमात्मा कदे भी चंगा नहीं समझदा। महाराज फरमांदे हन कि सच्चे को मिलदी वडियाई खोटा सागर में डुब जाई। सच्चे पुरुष नूं भाव धर्मी पुरुष नूं परमात्मा दे घर विचों अनेकां प्रकार दियां वडियाईयां दौलतां शोहरतां मिल जांदियां हन। ते जिहड़ा खोटा इंसान है पापी है अधर्मी जीव है महाराज कहिंदे हन वह दुखां रूपी सागर विच डुब जांदे हन।
क्योंकि परमात्मा सारे जीव एको जे हैं, जिस तरह एक बिरश नू अपने सारे पत्ते एको जे होंगे। महाराज उदाहरण के रूप में फरमाते हैं कि तरवर को पात एक समान ऊंच नीच का नहीं गुमान। कि उस परम पिता परमात्मा अपने बनाए हुए सारे जीव इको जे लगते हैं, कोई भी जीव उच्चा नहीं, कोई नीवा नहीं। जहो जे जिस इंसान के कर्म हैं वह जहाँ उसको मिल जाता है। तो महाराज फरमान करते हैं जे कोई पाप करता है उन्हें पाप मिल जाता है, तो जे कोई पुन करता है तो उसको पुन मिल जाता है। ये सब कुछ इत्थे ही है। कर्म तो भाव कम करना हुंदा है, जिस तरह का इंसान कम करता है कर्म करता है उस तरह का उसको फल मिल जाता है। तो महाराज फरमाते हैं सब को देवे एक प्यार दूज तीज कोई नहीं खार। क्यों? परमात्मा सारिया जीवों नूं इको जिहा प्यार करता है। जिस तरह महाराज कहते हैं कि एक दरखत दे पत्ते भी उसनूं समान होंदे हन, ते उन्हां पत्तियां दे वास्ते टहनियां दे वास्ते इको जिहा भोजन उन्हां नूं देण दी क्षमता भी रखता है। ते महाराज फरमाते हैं दूज तीज कोई नहीं खार। कि किसी भी तरह का भेद भाव वह परमात्मा के घर में नहीं है। वार वार तले गिर जाना पत झटकी रुत लैन पछाण। ते महाराज फरमान करते हैं कि सारे जीव इस मातलोक की धरती तो चलनहार हैं। जिस तरह पत झड़ की रुत आने बिरशां के पत्र झड़ जाते हैं, तो बसंत रुत आने दोबारा तो फिर नवे पुंगर आते हैं। तो महाराज फरमाते हैं इस तरह जीव न जिन्हें स्वासां की पूंजी परमात्मा के घर विचों प्राप्त हुई है उस पूंजी नूं समाप्त करके भोगदियां होया समातलोक की धरती तो चल जाना। तो महाराज जिस तरह कहते हैं तरवर उत्पत करदा और एक जगह पर नहीं ठहर। फिर जिहड़ा वह दरखत है वह समय अनुसार अपने अंदरों होर पत्तियां नूं जन्म दिंदा है, होर पत्ते उगदे हन। इसी तरह परमात्मा जो जीव चले जाते हैं वह सिरजनहारा होर नवे तो नवे जीवों की उत्पत्ति करता रहिंदा है। महाराज कहिंदे हन एक जगह पर ना सब की ठहर। कि यह सारिया व्यवस्थावां नूं सारिया चीज़ां नूं परमात्मा ने अपने हुक्म अनुसार ठहराया हुआ है। रोज लवे सरबत की सार सब को देवे एक प्यार। क्यों? परमात्मा भी हर रोज सारिया जीवों की सार लैंदा है, खबर लैंदा है, ते सारिया जीवों नाल इको जिहा प्रेम करदा है। जिस तरह एक दरखत पत्तियां नूं लोड़ींदा पदार्थां दी पूर्ति करना एक दरखत दा काम हुंदा है, इस तरह जीव दियां लोड़ां नूं पूरियां करना और उन्हां दी अरदास बेनती नूं सरवण करके उस नूं प्रवान करके अपने घर विच मंजूर करके
उन्हां सारियां जीवां दियां मनोकामनावां पूरियां करनियां भी परमात्मा दा काम हुंदा है। एक नजर सबना को देखे जा पात पात के ऊपर पेखे, कि परमात्मा सबना जीवन इको जो देखता है, ते हर एक पते पते विच उदा निवास है। क्योंकि जिस तरह दरखत विचों मिलने वाला भोजन पते पते विच पहुंचता है, इस तरह परमात्मा द्वारा दिती हुई आत्मा हर एक जीव दे विच निवास करती है। और जिस जीव विच आत्मा निवास करती है उस विच परमात्मा निवास करता है, भाव वह परमात्मा सभना जीवों विच वसदा है। चाहे वह 84 लाख जूना हैं, चाहे इंसान है। तो महाराज फरमाते हैं कि वह परमात्मा सारियां दे विच निवास करता है, पात पात के उपर पेखे। कह नानक ऐसे संसार, करता सबका एक दतार, जीव जंत उसका परिवार। धन गुरु नानक देव जी महाराज अमृत बाणी विच फरमाते हैं, इस संसार इसी तरह चलता रहिंदा है। ओ करता, ओ परमात्मा सबना दा दाता सबना विच वरतदा रहिंदा है। क्योंकि सारा जीव जंत उस परमात्मा दा एक परिवार है, और उहदी देख रेख करना परमात्मा दा जो असूल है, उस जीव नूं बनाए हुए जीवां दी रख्या करनी और देख रेख करनी, समय अनुसार उहनां दे उपर अपने दया दृष्टि दे नाल अपनी किरपा करदे रहना। परमात्मा बड़ा दयालु है, हर एक जीव ते दया करदा है, पर इंसान उसनू भुल जांदा है। सुहाओ गुरु महाराज दी पावन पवित्र अमृत बाणी श्री रमैन साहिब महाराज दी पवित्र बाणी दे नाल जुड़िए। सो महाराज फरमाते हैं, कह नानक ऐसे संसार, करता सब का एक दतार, जीव जंत उसका परिवार। उच्चारण करो प्रभु वाल्मीकि महाराज की जय हो।